नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं कि SSC के अंदर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में पशुपालन विभाग की कुछ वैकेंसी आई है, उस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आई है, कहाँ पर जॉब लोकेशन होगी, क्या पे स्केल होगा, कितनी सैलरी होने वाली है और कब इसके फार्म स्टार्ट होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होगा, ये सभी सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, WR रीजन का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस नोटिफिकेशन ये जो SSC की साइड है, SSC इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और काफ़ी सारी पोस्टें यहाँ पे दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे WR रीजन के अंदर काफ़ी सारी पोस्टें यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम हमारे यूजफुल जो वैकेंसी है, जो पशुपालन विभाग में वेटनरी की जो वैकेंसी आती है, पशुधन सहायक की वैकेंसी आती है, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टॉकमैन यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए स्टॉकमैन यहाँ पे WR 11121 यानी ये पोस्ट कोड है और स्टॉकमैन जूनियर की वैकेंसी यहाँ पे दिखाई शो हो रही है। और ये देखिए सेंट्रल हार्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम ऑफ फार्मर एनिमल हस्बेंड्री डेयरी अहमदाबाद के अंदर ये वैकेंसी निकली है। पे स्केल क्या है इसका, लेवल 2 के अकॉर्डिंग 1900 से लेकर 63,200 रुपये पे स्केल है और 18 से 27 साल वाले जनरल कैंडिडेट भी इलिजिबल है। इसके बाद में जो SC ST OBC वाले को इनमें छूट मिल जाती है। अब पूरी डिटेल देखेंगे तो पूरी डिटेल व्यू डिटेल के अंदर हम जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर पूरी जानकारी इस वीडियो इस वैकेंसी से संबंधित आप ले सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए काफ़ी सारे, तो उसमें आपके पूरे डाउट है वो क्लियर करवा दूंगा। ये देख लिया आपने, उसके बाद में एक वैकेंसी और निकली हुई है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं इसी के अंदर। ये देखिए यहाँ पे देखिए WR 10821, यहाँ पे हमने देखा था 11121 स्टॉकमैन की और यहाँ पे है 10821 ये स्टॉकमैन की। ये सीनियर स्टॉकमैन है और ये जूनियर स्टॉकमैन है दोस्तों। ये सीनियर स्टॉकमैन की वैकेंसी है, देखिए सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्मर या फ्रेशर एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग और सूरत के अंदर वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों। इसका जो ग्रेड पे है वो लेवल 4 के अकॉर्डिंग और 25,500 लेके 81,100 रुपये इसका ग्रेड पे है, सैलरी है इसकी। 18 से 27 वाले इसमें एलिजिबल है और व्यू डिटेल पे जाके आप लोग कंप्लीट इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद में मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये दोनों वैकेंसी है। इसके अलावा एक NR रीजन में नॉर्थ वेस्ट रीजन के NW रीजन के अंदर भी एक वैकेंसी निकली है, जिसका जो हरियाणा के अंदर इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली। तो इन दोनों वैकेंसी है, इसकी डिटेल भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। वैसे भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पे जाके आप पूरा देख सकते हो इस वैकेंसी के बारे में। नेक्स्ट जो वैकेंसी है हमारी, वही हमने अभी देखा था, देखिए यहाँ पे 10821 वाले स्टॉकमैन हाई सेकेंडरी +2 वाले मांगते हैं और यहाँ पे +2 पास होना चाहिए, उसके बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है और एनिमल हस्बेंड्री में डिप्लोमा किया है 2 साल का और बारहवीं में साइंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में एक वैकेंसी है UR की यहाँ पे और 18 से 27 वाला इसमें एलिजिबल है, ग्रुप C के नॉन टेक्निकल है और कैटल फ्रीडिंग और डेयरी मार्केट में अहमदाबाद सूरत के अंदर ये जॉब लोकेशन रहने वाली। ये पे स्केल मैंने आप लोगों को बता दिया कि कितनी सैलरी मिलने वाली है आपको। इसके बाद में यहाँ पे देखिए सूरत के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट रूप से जॉब लोकेशन पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, सूरत के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है और जॉब के बारे में ये डिटेल दे रखी है, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं हम जाके। उसके बाद में जो नेक्स्ट वैकेंसी थी हमारी, ये है स्टॉकमैन 11100, ये देखिए यहाँ पे 11121 स्टॉकमैन जूनियर की, वो अभी मैंने दिखाई थी 10800 वो थी सीनियर की, ये हाई सेकेंडरी है और इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगते दोस्तों, उसमें एक्सपीरियंस था, इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों के पास में, वो मांगते हैं। और EWS की एक ही वैकेंसी यहाँ पे शो हो रही है, EWS की 18 से 27 एज वाले इसमें एलिजिबल है, नॉन टेक्निकल ग्रुप C की है और ये अहमदाबाद जॉब लोकेशन है। पे स्केल है 19,900 से 63,200, उसमें था 25,000 से स्टार्ट था 81,000 तक। उसके बाद में जेंडर ऑल जेंडर इसमें एलिजिबल है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए गुजरात स्टेट के अंदर इसको जॉब लोकेशन रहेगी और जॉब के बारे में भी जान सकते हैं क्या करना पड़ेगा हमें। और उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों, ये देखिए NW 10921 के अंदर वैकेंसी निकल के आ रही है, SSC फेज 9 के अंदर निकल रही है वैकेंसी और NW 10921 के अंदर ये वैकेंसी निकल के आ रही है, जूनियर स्टॉकमैन जूनियर की निकल के आ रही है। हाई सेकेंडरी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करें तो दोस्तों वैकेंसी की क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन वो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 12वीं पास और डिप्लोमा सर्टिफिकेट लाइव स्टॉक फॉर्म द रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट डेयरी डिपार्टमेंट से, अगर 2 साल का डिप्लोमा किया हो आपका वेटनरी पशुपालन विभाग में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद में वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों, वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी कितनी यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी दिखाई दे रही है दोस्तों। देखिए टोटल 11 वैकेंसी है यहाँ पे, टोटल 11 वैकेंसी है, 11 वैकेंसी में 3-4 OBC जनरल की वैकेंसी है, 3 OBC की है, 1 SC की है और 3 EWS की वैकेंसी है, यानी टोटल वैकेंसी 4 3
1 और 3 ये वैकेंसी है दोस्तों, 11 यानी 11 वैकेंसी है। और एज की बात 18 से 21 वाले इसमें एलिजिबल है। ग्रुप सी नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। डिपार्टमेंट नेम है ये देखिए यहाँ पे, एनिमल हस्बेंड्री। कहाँ पे ये जॉब लोकेशन है? ये हरियाणा के अंदर है, ठीक है दोस्तों, मिनिस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री डेयरी के अंदर है। और इसकी जो लेवल सैलरी रहने वाली है वो है 19,963,200 रुपये। और जेंडर ऑल जेंडर इसमें एलिजिबल है। और हरियाणा पोस्टिंग हरियाणा के अंदर होने वाली है, यहाँ पे देख लीजिए आप आराम से, हरियाणा के अंदर इसकी वैकेंसी की पोस्टिंग होने वाली है। और जॉब के बारे में आप देख सकते हो क्या काम करना पड़ेगा आप लोगों को। पशुपालन विभाग से संबंधित जो ये जॉब है इसको एलिजिबल अगर आप हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पे जाके आप लोग पूरी जानकारी देख सकते हो। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में करें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।